अब शुरू करते हैं वज्र गुणन विधि। लेट वी स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कि अपन ने कौन कौन सी देखी है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दोनों के अपन ने थीम्स को भी देख लिया है, ग्राफिकल मेथड को भी देखा। ग्राफिकल मेथड में हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि वेदर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और संपाति जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों से हमने ये पता लगाने की कोशिश की किसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे। इसी प्रकार से जब हम वज्र गुणन विधि शुरू करते हैं तो उसके पहले ये चेक करते हैं एनालिटिकली कि वेदर दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या अनंत हल है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि लेट वी टेक ए सिस्टम a1x plus b1y is equal to c1 और a2x plus b2y equal to c2। तो हम ये पाएंगे कि यदि a1 upon a2, मतलब coefficient of x, ratio of coefficient of x और ratio of coefficient of y equal नहीं है, मतलब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, x और y के गुणांकों का अनुपात समान नहीं है, तो कैसा हल होगा, अद्वितीय, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। चलो अब यदि मान लो इन दोनों के रेशियो इक्वल है परंतु कांस्टेंट जो है उसका रेशियो इक्वल नहीं है तो हम उसको कह देंगे नो सॉल्यूशन, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। अब यदि इन केस के तीनों इक्वल है तो क्या बोलेंगे कि इसके जो है अनंत हल है, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये एक जो चीज है ये हम पहले पता करना चाहिए, कोई भी मेथड लगाएं, एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, नहीं तो फोकट ही मेहनत करें और लास्ट में जाके पता चलता है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले यही करना चाहिए, परंतु अकॉर्डिंग टू द बुक अगर हम देख लें तो हमको तीसरी एक्सरसाइज में जाके वो बताता है कि भैया फिर चेक करो वेदर सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यदि है तो हमको हल करना है, यदि नहीं है तो नहीं करना है। एक और शब्द यूज किया जाता है कंसिस्टेंट या संगत हल, है ना। तो हल प्राप्त कब हो गया, इन दो शर्तों पर, या तो अद्वितीय हल हो या अन्य हल हो, तो इनको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, इसका संगत हल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने को इन दोनों टर्म्स को याद रखना है। वेरियस एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं कि जैसे इसका एक एग्जांपल लेना हो तो 2x plus 3y equal to 4, 3x plus 4y equal to 6, तो यहाँ पर अपने को पता चलेगा कि 2 upon 3 is not equal to 3 upon 4, अर्थात इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। यदि मतलब हमेशा ध्यान रखिए कि अद्वितीय हल होगा तो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, है ना। यदि नो सॉल्यूशन है तो हमने देखा था नो सॉल्यूशन कब प्राप्त होता है, जो रेखाएं किसी प्राप्त हो, समांतर पैरेलल लाइंस प्राप्त हो तब होता है, और अनंत हल कब प्राप्त होते हैं, जब रेखाएं संपाति होती है, जब एक दूसरे के ऊपर होती है, संपाति होती है ना, तो उस टाइम पे अपने को कौन सा हल प्राप्त होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, हर पॉइंट पर हमारा हल होता है। तो इसलिए अपने को ये सब चीजें मान लो कि अपने को यहाँ देखना है तो 2x plus 3y equal to 4, 4x plus 6y equal to 5, तो यहाँ पता चलेगा कि 2 upon 4 और 3 upon 6 का रेशियो सेम है परंतु 4 upon 5 is not equal, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल लाइंस प्राप्त मिलेगी और नो सॉल्यूशन होगा। यदि हम इस पर चलें, इसका एग्जांपल देखें तो 2x plus 3y equal to 4, 4x plus 6y equal to 8, देखिए तीनों के रेशियो इक्वल है, तीनों के रेशियो इक्वल है तो हमें किसी लाइन प्राप्त होगी, संपाति रेखाएं प्राप्त होगी, तो यहाँ पर अनंत हल प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि वेदर सॉल्यूशन इज नॉट हैवी या
नहीं है। फिर आगे बढ़े तो हम आते हैं वज्रगुणन विधि पर। वज्रगुणन विधि के लिए हम एक सूत्र क्रिएट करेंगे और उस सूत्र में हम अपना मान रखना सीख जाएंगे। जैसे इसका सूत्र बनाना, यदि आपको सूत्र याद नहीं रहता है तो आप ये मेथड को देखिए, इस टेक्निक को यूज करो। हमने लिखा एक्स वाई माइनस वन, एक्स के आगे से लिखना कोएफिशिएंट्स को, लिखना चालू कर दो बी वन बी टू सी वन सी टू, फिर आगे बढ़ेंगे ए वन ए टू और फिर लास्ट में हम लिख देंगे बी वन बी टू। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब बी वन का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सी टू के साथ करना है, माइनस का साइन लगाया। बी टू का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सी वन के साथ। सिमिलरली वाई लिखा, सी वन का मल्टीप्लाई ए टू के साथ माइनस सी टू का मल्टीप्लाई ए वन के साथ। इसलिए इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि आप अक्रॉस द लाइन जो है मल्टीप्लाई करते हैं। यह लिखेंगे माइनस वन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। आप यदि और सिंपली देखना चाहें तो यदि आपको एक्स के अकॉर्ड में लिखना है तो यहाँ हाथ लगाया, क्रॉस कर दिया बी वन सी टू बी टू सी वन। वाई पर लगाया सी वन ए टू सी टू ए वन, माइनस वन पे लिखा सी वन पे लगाया ए वन बी टू ए टू बी वन। तो कहने का ये है, हम कितने आसान तरीके से इसको याद करते हैं इस पर हमारे डिपेंड करता है। तो इन टेक्निक्स मैंने आपको तीनों बता दी, या तो आप इस फार्मूले को याद कीजिए या फिर आप मैंने बताया आपको नंबर हाथ रखो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, यहाँ रखो सी वन ए टू सी टू ए वन, यहाँ रखो ए वन बी टू ए टू बी वन। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। फिर हम वन बाय वन कंपेयर करेंगे, x का कंपेयर इसके साथ करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी। बुक्स में आप देखेंगे तो इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें कॉमा लगाया y इक्वल टू माइनस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। सिंपल आपको याद रखना है, इस माइनस का मल्टीप्लाई या तो आप चाहो तो डिनोमिनेटर में कर दीजिए और नहीं तो ऐसे भी आप फार्मूला लिख सकते हैं। यह हो गया आपका फार्मूला। एक सिंपल सी चीज थी जो अपने को वज्रगुणन विधि में करना है। यह वज्रगुणन विधि आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब आपको इस पर बेस्ड कोई सम करना हो तो आप कीजिएगा, इस फॉर्मूले में मान रखना है। मैं आपको एक सम करके बता देता हूँ जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, 2x plus 3y equal to 5 और 2x minus y equal to 1। यदि हमको इस सम को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, या तो आप इस टेक्निक को यूज करो x y minus 1 3 5 2 3 3 5 2 3, जहां से शुरू वहीं खत्म, x के आगे माइनस वन वन टू माइनस वन। फिर क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई x 3 बन जा 3 माइनस माइनस वन में 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 5, y अपॉन 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस टू थ्री जा सिक्स। अब हम इसको क्या लिख देंगे, एक्स अपान थ्री प्लस फाइव, वाई अपान टेन माइनस टू माइनस वन अपान माइनस टू माइनस सिक्स, मीन्स एक्स अपान एट वाई अपान एट और माइनस वन अपान माइनस एट। तो यहां पर x अपान एट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वन अपान एट तो x इक्वल टू एट अपान एट, कितना आंसर आ गया वन, कॉमा y अपान एट इक्वल टू वन अपान एट तो y इक्वल टू भी एट अपान एट मीन्स वन। तो आपका फाइनल आंसर x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन। तो ये जो हमने किया अभी, ये पूरी चीजें जो है
किसके ऊपर बेस्ड है, वज्रगुणन विधि के ऊपर बेस्ड है। हमने एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, अब हम अपनी बुक में जब जाते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इजी एस्ट ट्रिक्स को अपने को यूज करना है। हम कैसे उन वर्ड प्रॉब्लम्स को एनालिसिस में बदलेंगे, इक्वेशन में बदलेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके।